भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भाई दूज पे हमारी बहनें जो हमें भाई दूज टीका लगाने के लिए हमारे पास आई और हमें अच्छा लगा कि हम अपने घर से दूर नहीं, अपने घर के बीच में ही हैं और हमारी बहनें हमारे साथ आके भाई टीका लगाया और हमें अच्छा लगा साथ में रह के। आज के इस भैया दूज के अवसर पर जैसे कि बहन अपने भाइयों को तिलक लगाती है, तो इस बारे में कुछ एक बहनें जो पुंछ राजौरी इलाके की है वो हमारे पास आई है और पुंछ में, और उन्होंने हमारे को जो है भाई जैसा प्यार दिया है। हम इस बात के बहुत बहुत आभारी हैं। जैसे कि हम साथ साथ देश की रक्षा करते हैं और अपने बहनों की भी रक्षा करते हैं, तो आज के इस अवसर पर जो ये बहनें हमारे पास तिलक के लिए आई है, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये जो त्यौहार है, ये बहनें जो हैं भाइयों की पूजा करती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और ये त्यौहार सबसे पहले चला था सूर्य देव के बेटा था यमराज और बेटी थी यमुना। तो जब यमुना की यमराज को याद आई तो उसने कहा कि यमुना तो गौलोक में है, तो मैं जाके अपनी बहन से मिलता हूँ। वो जाके गौलोक में गया और यमुना के घर जाके जब गया तो यमुना ने उनकी पूजा की, तिलक किया। ये वहीं से ये भैया दूज जो तिलक है ये चला है और पूजा भाइयों की चली है। बहनें जो हैं भाइयों की पूजा करते हैं, तो इस दिन ये कहा गया है कि भाइयों को बहन के घर का खाना ज़रूर खाना चाहिए। ये जो खाएंगे तो इससे उनके जितने भी पाप हैं वो धुल जाएंगे। और इस दिन यमुना के किनारे जो बहन भाई स्नान करते हैं वो सत्यलोक से उनमें उनका निवास होता है। सभी अपनी बहनों के साथ यहाँ रोमियो फोर्स अपने जो बॉर्डर पे तैनात हैं हमारे फौजी भाई, वहाँ पे हम आए हैं उनको तिलक करने। तो ये जो तिलक की परंपरा है, ये जो कार्तिक मास की जो शुक्ल द्वितीया तिथि होती है, हम उस द्वितीया तिथि में यहाँ पे अपने भाइयों को तिलक करने आए हैं। तो हम यही कामना करते हैं भगवान जी से कि हमारे भाई उच्च पदों पे जाए और जहाँ भी रहें, जिस बॉर्डर पे भी रहें, वहाँ खुशी का माहौल रहे, वहाँ स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये जो अपने घरों से दूर जहाँ पे बॉर्डरों पे दिन रात तैनात रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, ये हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। क्योंकि जो ये जो बॉर्डरों पे रहते हैं, दिन रात तैनात रहते हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं, तो हम बहनों से यही कामना है कि हमारे भाई हमेशा खुश रहें, जहाँ भी रहें वहाँ हमेशा खुश रहें। आज हम अपने इन भाइयों को बॉर्डर पर रोमियो फोर्स को यहाँ तिलक करने आए हैं भाई दूज के इस पावन अवसर पर, क्योंकि भाई दूज का एक ऐसा त्यौहार है कि बहनें अपने भाइयों की दीर्घ आयु के लिए और उनकी रक्षा के लिए हमेशा पूजा पाठ करती हैं। और अपने भाइयों की, जैसे हम घर में अपने भाइयों की दीर्घ आयु के लिए, वैसे ही है जो भाई बॉर्डर पर तैनात हैं हर वक्त दिन रात हमारी सेवा में लगे हुए हैं, जिनकी खातिर आज हम चैन की सांस ले पा रहे हैं, उन भाइयों को तिलक करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज के दिन हम यहाँ पर अपने भाइयों को तिलक करने आए हैं। आज ये जो त्यौहार है, ये अक्षय, ये कार्तिक मास की द्वितीया को बनाया जाता है और इस पावन पर्व को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन मैं अपने भाइयों की दीर्घ आयु के लिए और स्वस्थ रहने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे और ये देश की दिन दूनी और रात चुनी तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत।